बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई पीछे वाले भी संख्या तो यहां 20,000 हो गया है, लेकिन आवाज चिरमिरी से बाहर नहीं जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी यहां 550 करोड़ रुपए का, जो आज के इतिहास में आजादी के बाद इस विधानसभा में कभी नहीं हुआ, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये दोनों आज सौगात देने आए हैं। इसलिए आवाज रायपुर तक जाना चाहिए। बोलिए माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, माननीय अरुण साहु जी जिंदाबाद, माननीय अरुण साहु जी जिंदाबाद। भारत माता की, पीछे तरफ से भी दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की। आज पूरे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में एक उत्सव सा माहौल है। यहां पूरे नगर में लोग घरों से निकलकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनने, उनका स्वागत करने, पूरी भीड़ आसपास की उमड़ पड़ी है। अभी भी लोग आ रहे हैं, रास्तों में लोग पूरे खड़े थे। पूरा नगर में आज उत्सव सा माहौल है। इस अवसर पर हमारे इस छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता, लोगों के, गरीबों के चिंता करने वाले, माताओं बहनों की चिंता करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देसाई जी का जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करिए। पूरे मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के लोगों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में जो ये चिरमिरी एक एक बूंद पानी के लिए तरसती थी, और चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ एक होकर लोगों को, दो शरीर का हिस्सा है लेकिन उनको अलग कर आज तक आजादी के बाद अलग रखा गया था, उन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए जिन्होंने 41 करोड़ रुपया मनेन्द्रगढ़ से चिरमिरी को जोड़ने के लिए साझा पहाड़ रोड के लिए दिया, और चिरमिरी के पानी के लिए भागीरथी जैसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। 185 करोड़ को स्वीकृति देने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी का दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करिए। और इतना बड़ा इतिहास में आज तक विकास कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज ये दिन देखने को हमको मिल रहा है। आज हमारे बीच में हमारे कोरिया जिला की बेटी, जो हमारे से हम लोग विवाह कर दिए थे, तो सूरजपुर जिला में उधर जाकर विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी, लोकसभा सदस्य बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन हम बोले बहन का थोड़ा अनुभव का लाभ लेते हैं, इसलिए हमारी बड़ी दीदी को भरतपुर सोनहत क्षेत्र से जनता ने आशीर्वाद दिया, और भरतपुर क्षेत्र की विधायक दीदी रेणुका सिंह जी का भी हृदय से अभिनंदन है। हमारे बीच में आज सौभाग्य है कि सरगुजा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और जन जन के नेता, सरगुजा के सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी हैं, इनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बाजू के ही बगल के युवा नेता, सरपंच से लेकर फौज में सेवा दिए और मरवाही क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रणव सिंह मरपच्ची जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। आज हमारे बीच में भरतपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय रेणुका सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेणुका सिंह जी, साथ ही हमारे बीच में मिस्टेक बोल दिया क्या मैं, भरतपुर के पूर्व विधायक चंपा देवी पावले जी, इनका भी स्वागत है जोरदार। काहे कि दीदी का नाम ध्यान से उतरी नहीं रहना, हमारी बड़ी दीदी है। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे एमसीबी जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, जिले के कलेक्टर राहुल वेंकट जी, एसपी साहब, डीएफओ साहब, हमारे मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सरगुजा जाना है, वहां दो कार्यक्रम करना है, फिर 5:30 बजे से पहले उड़ना है, इसलिए मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सभी यहां मीडिया के साथियों का, माताओं का, बहनों का, और भरतपुर कोटाडोल वन राम, भगवान राम के वन आगमन के जो द्वार है, वहां से लेकर हमारे खड़गवा, चिरमिरी, मनेन्गढ़ सभी क्षेत्र के लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी आए हुए अधिकारी कर्मचारीगणों का,
लोक कला दल के सदस्यों का और माताओं बहनों और भाइयों सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की बारे में ही थोड़ा बात करना चाहूंगा। ये मनेन्द्रगढ़ भरतपुर जिला सदैव से पिछड़ा रहा, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, इस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहने लगी। यहाँ लोग पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए यहाँ लोग तरसते हैं। लेकिन इतने दिनों तक सरकार आई, पिछले समय 45 करोड़ रुपए हमारी सरकार में हमने चिरमिरी के जलावर्धन के लिए दिया था, लेकिन उसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया। और आज खुशी की बात है कि 185 करोड़ रुपए का अमृत जल मिशन का चिरमिरी में शुभारंभ आज भूमि पूजन हुआ है। अब चिरमिरी में घर घर में लोगों को पानी मिलेगा। बहनों, अब आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ के बीच जो साझा पहाड़ सड़क है, उसको चौड़ीकरण के साथ 41 करोड़ रुपए के लगभग राशि से आज भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए भी बहुत हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये चिरमिरी केवल राजनीति का खाड़ा बन के रह गया था। पिछले समय में उनके एक विधायक बोलते थे कि यहाँ जिला हॉस्पिटल नहीं बनेगा, एक विधायक बोलते थे यहाँ बनेगा। और पिछले समय जो उनकी बातचीत हुई थी, भरतपुर के पूर्व विधायक गुलाब कमरों की बात दीदी कर रही थी, उन्होंने एक तरफ अभी सोशल मीडिया में प्रेस में कहा है कि चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल बनने से, शुभारंभ होने से हम हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिले का न्याय हो रहा है। एक और उनके मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल सोशल मीडिया में अपने मुख्यमंत्री को और साथ में हमारे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र उनके जनप्रतिनिधियों का, ये स्पष्ट करें कि कहां चाहते हैं। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। चिरमिरी में जिला मुख्यालय में जिला हॉस्पिटल आज शुभारंभ हो रहा है, तो मनेन्द्रगढ़ को 220 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किए हैं, उसकी भी टेंडर हो गई है। जल्द ही मनेन्द्रगढ़ में भी इतना ही बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों के साथ चलने वाली सरकार है, सबके साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। इसलिए मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों का बराबर विकास होगा। इसी प्रकार से 5 साल पहले जिस रेलवे लाइन को हमारी पूरी की पूरी ट्रेन, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग केवल ट्रेन को देखते हैं, लेकिन ट्रेन हमारे यहां रुकती नहीं है, कोई भी ट्रेन। चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ एक बड़ा आबादी है, पूरी ट्रेन मध्य प्रदेश में जाकर रुकती है, और वहां जाकर हम लोग ट्रेन में चढ़ते थे। लेकिन पिछले समय माननीय पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री थे और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भूमि पूजन 241 करोड़ का किया गया था। उस राशि को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया, रेलवे को लिख दिया कि उस लाइन की आवश्यकता नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं सोशल मीडिया में भी डाला था और पेपरों में भी आया था। उस राशि को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 241 करोड़ रुपए की रेलवे की स्वीकृति दी है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जिस मेडिकल कॉलेज को पत्थर लेकर घूमते थे इनके नेता, कभी उसका भूमि पूजन करते थे, कभी लोगों को हरा हरा सब्ज बाग दिखाते थे, लेकिन वो दिन आ गया, 330 करोड़ का मेडिकल कॉलेज के भवन का टेंडर लग गया है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास करने आएंगे, और ये कोई हम पिछले सरकारों जैसा धोखा नहीं करते हैं। इतने कम समय में हमारे चिरमिरी में हॉर्टिकल्चर कॉलेज शुरुआत हो गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी शुरुआत हो गई है। और मैं खड़गवा क्षेत्र की जनता को ही बताना चाहूंगा कि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, खड़गवा में एग्रीकल्चर कॉलेज की भी स्वीकृति मिल गई है, आने वाले सालों में कक्षाएं चालू होंगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी से संबंधित अध्ययन कर पाएंगे। इसी प्रकार भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, सरभोका से नागपुर के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, जिससे लाखों लोग किसानों को उसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, पूरे क्षेत्र का समेकित विकास करने वाली ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, माताओं बहनों का सरकार है, माताओं बहनों को मजबूत करने का महतारी वंदन जैसा योजना चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 70 लाख से ऊपर बहनों को हर महीने उपहार दे रहे हैं।
ये है विष्णु का सुशासन। प्रदेश के किसान आज खुशहाल हैं, मजदूरों को जिनके पास भूमिहीन है, पट्टा नहीं है, उनको 10,000 मिल रहा है, तेंदू पत्ता तोड़ने वालों को 5,500 रुपए प्रति हजार मिल रहा है। इस प्रकार से चारों ओर खुशहाली की लहर है। चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ में विकास की गंगा भरतपुर क्षेत्र में और आगे बहेगी। आने वाले समय में फिर से और कई कार्य होंगे। चूंकि समय कम है, इसलिए क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं कुछ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। ये चिरमिरी जो कालरी क्षेत्र है, इसके साथ छोटे छोटे 3 नगर पंचायत हैं, लेदरी, खोंगा पानी और झगड़ा खांड। वहां विद्युत आज भी कालरी की है, कालरी बंद हो रहा है। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो ACCL लगाती नहीं है, खंभा गिर गया तो खंभा लगाती नहीं है, अगर लो वोल्टेज है तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। और आजादी के बाद ये 3 बड़े शहरों में आज तक बिजली नहीं है, इसलिए CSEB की बिजली के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकृत करके इन शहरों को पुनर्जीवन देने का आप सहयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनके पास नगरीय निकाय विभाग भी है और बड़े ही सहृदय हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि चिरमिरी नगर निगम को 20 करोड़ रुपए के आसपास की राशि एक साल के अंदर किसी सरकार ने दिया होगा, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय के साथ दिया है। ऐसे ही मनेन्द्रगढ़ को भी नगर पालिका को 8 करोड़ की राशि, झगड़ा खांड नगर पंचायत को 4 करोड़ की राशि, खोंगा पानी और लेदरी को भी 3 से 4 करोड़ की राशि देने का काम आपने किया है। लेकिन चिरमिरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, इसलिए एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता है जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बनेगी। आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की जनता को ये उपहार आप दे देंगे तो इस क्षेत्र के लिए बड़ी कृपा होगी। बाकी हम लोग और मांगते रहेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। इसलिए आप पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।